हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया है यूपी में, और स्पेशली इधर हमारे साइड में आगरा, कासगंज, मथुरा साइड, तो थोड़ा तो हम मौसम का मज़ा ले रहे हैं, तो इसलिए आज मेरी लोकेशन भी चेंज है। और बाकी बात करते हैं IBPS RRB के बारे में। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि वो बहुत डरे हुए हैं, उनके 40 से 40, 50 स्कोर हो रहा है अभी ST में, वो सीरीज टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। तो देखिए, आप अगर टेंशन करेंगे और होपलेस होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने आप पे विश्वास रखिए, अभी टाइम है 1 महीने का। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने होंगे। केवल प्रैक्टिस सेट लगाना सफिशियंट नहीं रहेगा। सबसे पहली बात, आज हम बात करने वाले हैं केवल मैथ्स के स्कोर के इम्प्रूव के बारे में। फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के स्कोर के बारे में। देखिए, मैथ्स का स्कोर के बारे में सबसे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक मिथ बना लेते हैं कि वो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो वो मैथ्स में उतना परफॉर्म नहीं कर सकते जितना एक मैथ बैकग्राउंड का इंसान कर सकता है। तो ये मिथ सबसे पहले अपने अंदर से निकालिए। मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, जब मैंने IBPS क्लियर किया था RRB, तो मेरे 40 में से 39 मार्क्स थे मैथ्स में। और यू वोंट बिलीव, मैंने आई थिंक एक वीडियो भी पहले भी बना रखा है जिस पे व्यूज़ कम है, आप लोग मुझसे जुड़े हुए नहीं थे, कुछ वीडियोस के बाद ही आपको मिल जाएगा, हाउ आई गॉट 39 आउट ऑफ 40, ऐसा एक वीडियो है और उसमें मेरा स्कोर कार्ड भी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें टेंशन नहीं करनी है, स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ाई करनी है। और इम्प्रूवमेंट कैसे करना है मैथ्स की, इसकी बात करते हैं। देखिए, मैथ्स में इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप चीज़ों को याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप स्क्वायर्स, क्यूब्स, इनके शॉर्ट ट्रिक्स देख रहे होंगे, बिल्कुल देखिए। लेकिन जहाँ तक जितना पॉसिबल है, आपको पता है, आप अगर बिलीव कर पाएंगे, तो मैंने 100 तक स्क्वायर्स याद कर लिए थे जब मैंने प्रेपरेशन की थी, तो 100 तक स्क्वायर्स, और मुझे लगता है 60-70 तक तो मुझे अभी भी याद है। उसके बाद मैंने पहाड़े 40 तक, 35-40 तक मैंने पहाड़े याद कर रखे थे, और अगर क्यूब्स की बात करें तो 40-50 तक मैंने क्यूब्स को याद कर रखा था। मेरा केवल एक क्लियर माइंड था, क्योंकि मैं बायो बैकग्राउंड से थी, तो मुझे भी एक फियर था कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ सबसे। और एक एक सेकेंड बैंक के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमें वो सेकेंड कैसे बचाना है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड में हम एक सवाल में बचा रहे हैं, तो हम अगर 10 सवालों में 5-5 सेकंड बचाए, तो 50 सेकंड, जो कि 50 सेकंड में हम 2 सवाल और कर सकते हैं, है ना। तो आप इस प्रोसेस को, इस पूरे पैटर्न को समझिए कि हमें हर एक सवाल में कितना टाइम बचा सकते हैं, ये मैटर करता है। वो टाइम कैसे बचेगा कि जब चीज़ें आपको, आप सोच रहे हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से भी ईजी है चीज़ों को याद रखना। जैसे अगर मुझसे किसी ने बोला 55 का स्क्वायर, अगर मेरे माइंड में तुरंत रहा 3025, तो उससे जल्दी तो आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे ना, इससे जल्दी तो शॉर्ट ट्रिक नहीं सीख पाएंगे ना, है ना। किसी ने बोला 65 का स्क्वायर, मेरे दिमाग में तुरंत है 4225, 75 का 5625, है ना। तो ये सब चीज़, अब आप सोच रहे होंगे ये सब मैंने कैसे याद किया था, तो इसके बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट बनाए थे, बहुत एक पूरे पूरा एल्गोरिदम समझ सकते हैं जो मैंने कनेक्ट किया था पूरा, और 100 तक स्क्वायर्स मेरे को मुँह जवानी रटे हुए थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आप टाइम कम कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के टाइम में। देखिए, आप आज प्रैक्टिस करें, कल करें, परसों करें, मैटर ये नहीं है। आज आपने प्रैक्टिस करी तो आपने एक क्या पॉइंट इम्प्रूव किया जो आप कल प्रैक्टिस में वो इम्प्रूव दिखाएंगे, मैटर ये करता है। फ्रैक्शंस को रट लीजिए, अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन लिख के आ रहा है, कोई भी, मान लीजिए आपके सामने 37 1/2 लिख के आया, 37.5% लिख के आया, तो आपको तुरंत माइंड में होना चाहिए इसका फ्रैक्शन 3/3/8 है। आपको उसको कैसे भी सॉल्व करने की आदत छोड़ के उसको आपको याद करना होगा। अगर आपने फ्रैक्शंस, पहाड़े, क्यूब, स्क्वायर्स, इनको याद कर लिया, तो सिंप्लीफिकेशन और DI सॉल्व करते टाइम, ट्रस्ट करिए, आपका जो टाइमिंग अभी लग रहा होगा उसका बहुत परसेंटेज कम हो जाएगा टाइमिंग का, और सवाल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, फॉलो करिए, फिर आप देखिए आपका जो स्कोर है वो 40 से 45, 45 वालों का 50, 50 वालों का 55, ये ज़रूर हो जाएगा, है ना। ऐसे हम अगर 5-5 स्कोर दोनों में बढ़ा लेंगे, 10 स्कोर हो जाएगा, देन उसके बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा एंड वी विल परफॉर्म बेटर, और अभी से हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, बाकी जुड़े रहिए आप लोग, और बिल्कुल भी फोकस्ड रहिए और टेंशन मत करिए, कूल होके पढ़ाई करिए, क्योंकि तभी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।